सूर्य सतेज चंद्र सी छाया, सबके हृदय में जो है समाया। चारों दिशाओं धरती गगन में, ब्रह्मांड के हर कण कण में राम राम राम। पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होंगी और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सुन लो। तो गाइस हमने झंडा लगा दिया है, तो हम लगाएंगे घर पे लाइट्स और घर को डेकोरेशन कर देंगे और चारों तरफ दिए दिए लगाएंगे और सारे पटाखे भी फोड़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो, फिर उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। मेरे राम आए हैं, सिया राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, सिया राम आए हैं। देश को देश के राजा मिलने वाले हैं और हमें हमारे प्रभु राम। हम कितनी किस्मत वाले हैं कि जन्म भी उस दौर में दिया है प्रभु राम ने, जिस दौर को खुद उन्होंने आने के लिए चुना है। मंत्री जी देखिए, नॉर्मल दिवाली में हम लोग नॉर्मल पटाखे चलाते हैं, इस बार तो रामलला साक्षात आ रहे हैं। आपको अपने आप से ये सब चीजें मुहैया करानी चाहिए। छोटी सी चीजें हैं, मिसाइल्स चाहिए, ब्रह्मोस, अग्नि, अब ये सब हम लोग दिवाली में तो नहीं चलाएंगे ना, रामलला साक्षात आ रहे हैं। आप कैसे भी करके ये सब चीजें मुहैया करवाइए। अभी हम फार्म हाउस में हैं, कल सुबह आपको दिल्ली में मिलेंगे, ब्रेकफास्ट आप ही के साथ करेंगे। A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा।